एक बड़ी बात है कि सर ने भी खुद सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात लिखी है कि फोटो किसी के साथ होने से अपराधी बच नहीं सकता। अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी है और उसे उसी तौर पर लगातार एसटीएफ ले रही है। सर एक बड़ा सवाल है, ईडी का अब इन्वॉल्वमेंट सीधा हो चुका है, इसमें आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, ईडी को हमें ने इन्वॉल्व किया है। आपको पता है इसमें 83 लाख कैश आया है जी। और कैश 10 लाख से ऊपर की बरामदगी पे ईडी का जुरिडिक्शन आ जाता है, तो इसलिए हमने उन्हें अवगत कराया है कि इसमें इस तरह का केसेस है, तो अब ईडी भी इसकी जांच करेगी। इसके अलावा हमने अभी जो 3-4 दिन पहले प्रेस हुई थी, हमने बोला था कि हम इन जो जो बड़े लोगों ने एक संगठित गिरोह बना करके जिस तरह से कांड किया है, तो उन पर गैंगस्टर एक्ट जरूर लगाएंगे और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो है संपत्तियां जब्त करने का प्राविधान भी है कि एक तो हम गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे और अगर इस तरह के धंधों से जिसने भी अकूत संपत्ति की होगी जो भी है वो जरूर से जरूर जब्त होगी अगर वो हमारा अभियुक्त है तो इसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत हम इनकी संपत्तियां जब्त करने की पूरी रिपोर्ट, जैसे प्रोसीजर है पुलिस की रिपोर्ट जिला अधिकारी को जाती है, तो उस प्रोसीजर को फॉलो करके इनकी संपत्तियां जब्त भी कराई जाएंगी।